आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढो बता देते हैं, देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे इसके लिए हम सबको। और ये उनकी ताकत है, उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहाँ पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहाँ जहाँ सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता हो। और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मैं चीज देख रहा हूँ, देश प्रगति कर रहा है, हम एफडीआई की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं देख रहा हूँ इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है जी, एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया एफडीआई नजर का आ रहा है, ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा। और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है।